योग दिवस से पहले बाबा रामदेव ने दिल्ली में लगाया ट्रेनिंग कैंप, करीब 10,000 लोगों को कराया योग। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बाबा रामदेव ने लगाई योग की क्लास, बरसात की हल्की बूंदों के बीच योग करते रहे लोग। बाबा रामदेव ने योग की 21 मुद्राओं को दी अपने शिष्यों को ट्रेनिंग, राजपथ पर 21 जून को योग की पाठशाला में पीएम के साथ योग करेंगे बाबा के कई शिष्य। बाबा रामदेव की योग की पाठशाला में हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया, छोटे छोटे बच्चे भी योग अभ्यास शिविर में शामिल हुए। बाबा रामदेव ने योग की क्लास में लोगों से कहा, लंबी उम्र और बीमारियों से मुक्ति के लिए जरूरी है योग। समाजसेवी अन्ना हजारे का कल 78वां जन्मदिन, जन्मदिन से पहले अन्ना की योग करने की तस्वीरें सामने आई, कहा ऊर्जा के पीछे योग की शक्ति। अन्ना हजारे ने कहा, 5 दशकों से कर रहा हूं योग, 45 मिनट के योग और प्राणायाम से मिलती है असीमित शक्ति। एयर इंडिया की नई पहल, पायलटों का मानसिक दबाव कम करने के लिए शुरू किया योगा सेशन। एसपी नेता आजम खान ने योग के बहाने बीजेपी पर फिर कसा तंज, कहा पहले योग सेकुलर था, कुछ दिन से बीजेपी ने योग को बताया हिंदू। फिजिकल एक्सरसाइज थी और है, अब भाजपा ने 2-4 दिन से योग को हिंदू कर दिया है, लेकिन योग का कोई धर्म नहीं है। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर आज सड़कों पर उतरेंगे पूर्व फौजी, दिल्ली में जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। पूर्व फौजियों का सरकार पर आरोप, वादा करने के बावजूद वन रैंक वन पेंशन वादा पूरा नहीं किया। आरएसएस के सह कार्यवाहक सुरेश सोनी को पड़ा दिल का दौरा, कानपुर के कार्डियोलॉजी संस्थान में कराया गया भर्ती। अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है सुरेश सोनी, शनिवार को आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे कानपुर। अलगाववादी नेता गिलानी का सेमिनार रद्द, पिछले 2 दिनों से गिलानी समेत ज्यादातर बड़े नेता नजरबंद। बिहार के बोधगया विधानसभा में बीजेपी का सम्मेलन, शहनवाज हुसैन ने कहा मेरे पास नीतीश लालू हटाओ मंत्रालय, इसी पर काम कर रहे हैं। लालू जी नीतीश जी की जोड़ी को पराजित करने के लिए मैदान में उतर गए और इनको पराजित करेंगे। उत्तराखंड के कानपुर से कांग्रेस विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, निजी कार्यक्रम में राइफल से की हवाई फायरिंग। गुर्जर समाज ने आयोजित किया था कार्यक्रम, बंदूकों से लैस होकर बड़ी संख्या में आए थे लोग, तैश में आए विधायक ने भी बेखौफ हवा में दागी गोलियां। जोधपुर में भवन का शिलान्यास करने पहुंचे सीएम वसुंधरा राजे के कार्यक्रम में हंगामा, बजरी खनन के काम में लगे ट्रक ऑपरेटरों ने की नारेबाजी। 21 जून को पटना में अमित शाह लेंगे योग कार्यक्रम में शिरकत, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की चुनावी रणनीति भी बनाएंगे। दिल्ली एनसीआर में मौसम की मेहरबानी जारी, रात भर होती रही बरसात, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मौसम विभाग ने किया 2 दिन बारिश का अनुमान, आज भी दिन भर बरसात के साथ मौसम सुहावना बने रहने की आशंका। शनिवार को दिल्ली एनसीआर में आई जबरदस्त धूल भरी आंधी, कई इलाकों में सड़कों पर टूटे पेड़, दिन में ही छाया अंधेरा। उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ शिमला में भी जमकर हुई बारिश, वीकेंड पर सैलानियों के लिए मौसम हुआ सुहाना। मुंबई में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, बारिश के साथ कई इलाकों में हुआ जल भराव, हिंद माता और लोअर परेल में भरा पानी। दिल्ली में शनिवार को सफाई पर जमकर हुई सियासत, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आशुतोष, दिलीप पांडे, आशीष खेतान, अलका लांबा समेत कई नेताओं ने की सफाई। अभियान पर आम आदमी पार्टी के स्टंट का विरोध, बालदेव पार्क और कृष्णानगर समेत कई जगहों पर आप नेताओं को सफाई से रोका गया। बीजेपी भी सफाई स्टंट में कूदी, पांडव नगर में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय सफाई कराते नजर आए। एमसीडी कर्मचारियों के एक धड़े ने राहुल गांधी से की मुलाकात, हड़ताल के साथ देने पर राहुल का किया धन्यवाद। यूपी में पत्रकार हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर। अखिलेश सरकार ने पत्रकार की हत्या मामले में एसएचओ समेत 5 पुलिस वालों को किया सस्पेंड, आरोपी मंत्री अभी भी फरार। अखिलेश सरकार के मंत्री राममूर्ति सिंह पर पत्रकार जगेंद्र की हत्या का आरोप, 1 जून को जगेंद्र के जिंदा जलाकर हुई थी हत्या। मोदी सरकार के मंत्री महेश शर्मा ने भी कहा पत्रकार हत्याकांड की हो सीबीआई जांच। बिहार के समस्तीपुर में शादी के दौरान हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, दुल्हन पक्ष ने दूल्हा समेत बारातियों को बंधक बनाया। दूल्हे के पारंपरिक धोती पहनने से इनकार करने पर भड़का विवाद, दुल्हन ने किया शादी से इनकार। बंधक बनाए जाने के बाद बारातियों ने पुलिस से लगाई गुहार, थाने में भी दोनों पक्षों में घंटों किया ड्रामा।
यूपी के फतेहपुर में दबंगों का कहर, आम के विवाद में नाबालिग को मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जलाने का आरोप। एक दिन पहले बच्चे के पिता ने बाग से आम तोड़ने पर कुछ लोगों का किया था विरोध, इसी के विरोध में हत्या का आरोप है। एसपी का दावा, जल्द गिरफ्तार होंगे आरोपी। डीआरआई ने करीब 17 करोड़ के पटाखों की तस्करी का किया खुलासा, चीन से लाया जा रहा था माल। गिलास, कॉफी मग और पतंगों के नाम पर छुपा कर लाए जा रहे थे पटाखे, गुप्त सूचना पर डीआरआई ने की कार्रवाई। डीआरआई की अगुवाई में अब तक पटाखों की सबसे बड़ी तस्करी का खुलासा, 34 लाख के फर्जी माल के पीछे छुपा कर रखे गए थे 17 करोड़ के पटाखे। दिल्ली के भाटी माइंस में सड़क हादसे के बाद हुआ बवाल, हादसे में महिला की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने डीटीसी बस को लगाई आग। डीटीसी बस ने मारी थी बाइक को टक्कर, बाइक पर जा रहे पति पत्नी और बच्चे में से पत्नी की मौत, पति और बच्ची गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध प्रदर्शन, पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में निकाला विरोध मार्च। श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन के दौरान उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा फिलहाल नागपुर है जम्मू कश्मीर की राजधानी। तो हमारे वक्त में जम्मू कश्मीर रियासत के दो राजधानी थे, दो कैपिटल थे, एक जम्मू एक श्रीनगर, मुफ्ती साहब ने वो भी बदल। राजस्थान में बिजली विभाग की लापरवाही से गई 18 लोगों की जान, 30 लोग बुरी तरह घायल, बारातियों से भरी बस पर बिजली की तार गिरने से हुआ हादसा। टोंक जिले के पांचेड़ और सांच गांव के बीच हादसा, मरने वालों के परिवारों को 10-10 लाख का मुआवजा, मौके पर जायजा लेने पहुंचे गृहमंत्री और सांसद, बिजली विभाग के 2 इंजीनियर और 1 लाइनमैन हुए सस्पेंड। पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी चौक पर बिजली कटौती को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी, सीएम का किया पुतला दहन। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में 2 साल की गुमशुदा मासूम का मिला शव, लोगों ने किया हंगामा। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर चुनावी जीत के जश्न में चली गोली, नॉर्दर्न रेलवे यूनियन की जीत पर सर्विस रिवॉल्वर से दागी गई गोली। दिल्ली से लंदन जाने वाली फ्लाइट में खाने में मिली छिपकली, यात्री ने दर्ज कराई शिकायत। It's a serious thing and action will be taken. यूपी के बांदा में घर में मिली बुजुर्ग की अधजली लाश, मारपीट करने के बाद जलाकर मारने का शक। 62 साल के मृतक देवीलाल की लाश में मुंह में था कपड़ा, एसपी विधायक विशंभर यादव से की थी मृतक की रंजिश। कुछ दिन पहले मृतक की पत्नी से हुई थी मारपीट, विधायक के गुर्गों पर लगा था मारपीट का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तेलंगाना के करीमनगर में सड़क हादसे का शिकार हुए वित्त मंत्री एतेला राजेंद्र, अस्पताल में भर्ती मंत्री की हालत स्थिर। कानपुर में लेदर टेंडरी में पड़ा हादसा, लेदर टैंक साफ करते वक्त गैस से 2 लोगों की मौत, 3 लोग अस्पताल में भर्ती। मुंबई से सटे ठाणे के विवियाना मॉल में शर्मनाक करतूत, लेडीज टॉयलेट में मोबाइल फोन से महिला का एमएमएस बनाने की कोशिश, जांच में जुटी पुलिस। मुंबई के वडाला में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पेट्रोल पाइपलाइन लीक होने से लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। ग्रेटर फरीदाबाद में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे अफ्रीकी मूल के छात्रों की सिक्योरिटी गार्डों ने की मारपीट, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोचीन में एयर इंडिया की फ्लाइट में देरी के बाद एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहे मुसाफिर, एयर इंडिया ने नहीं किए थे वैकल्पिक इंतजाम। राजस्थान के सवाई माधोपुर में दहेज प्रताड़ना का मामला आया सामने, शादी के 8 साल बाद मांग पूरी न होने पर पत्नी को घर से निकाला। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक टेंट हाउस में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप, दमकल की 20 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। भागलपुर रांची मुख्य मार्ग पर हसडिया के पास बदमाशों ने माइंस कंपनी में खड़ी मशीनों को किया आग के हवाले, करीब 3 करोड़ की मशीनें हुई खाक। 20 लाख लेवी मांगे जाने से जुड़ा है मामला, हालांकि पुलिस ने नक्सली वारदात मानने से किया इनकार। आसनसोल में कैब ड्राइवर की हत्या की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, 1 12वीं का छात्र समेत 2 लोग गिरफ्तार, गाड़ी छीनने के लिए की थी हत्या। बेंगलुरु में पुलिस ने बोडो संगठन के 4 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, चारों से पूछताछ कर रही पुलिस। यूपी के बागपत में जिंदा जलाई गई युवती शिवानी ने अस्पताल में तोड़ा दम, प्रेमी की मां समेत परिवार के लोगों ने घर में घुसकर जलाया था जिंदा। शिवानी की मौत पर भड़का पूरा गांव, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर लाठी डंडे लेकर पहुंचे हाईवे, घंटों तक जाम रहा दिल्ली यमुनोत्री मार्ग।
गुस्साएगा वालों ने पुलिस वालों पर भी किया लाठी डंडों से हमला, बाद में समझा बुझाकर पुलिस वालों ने खुलवाया जाम, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा। कानपुर के चमनगंज इलाके में दुकान खाली कराने पर भड़का विवाद, पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प, दुकान मालिक घायल। दुकान खाली कराने पहुंची पुलिस पर भड़का लोगों का गुस्सा, कोर्ट में चल रहा है भूमि का विवाद, पुलिस का दावा मामले की होगी जांच। दिल्ली के गोल मार्केट के कम्युनिटी सेंटर हॉल के वाटर टैंक में मिला 12 साल के लड़के का शव, पुलिस ने शुरू की जांच। राजस्थान के बाड़मेर नामचीन मंदिर में चूहे खाने का खुलासा, राजस्थान पुलिस ने छापेमारी कर किया खुलासा। जुए खाने से शहर के 20 रईसजादों को जुआ खेलते किया गिरफ्तार, करीब 6.5 लाख नकदी बरामद, भागने की कोशिश में 2 आरोपी घायल। यूपी के बहराइच में आरटीआई कार्यकर्ता की पीट पीट कर हत्या, आम आदमी पार्टी का ब्लॉक संयोजक था मृतक। ग्राम प्रधान पर हत्या का शक, आरटीआई के तहत जानकारी मांगने पर प्रधान ने दी थी जान से मारने की धमकी। बांग्लादेश के साथ फातुल्ला टेस्ट में आज आखिरी दिन ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा है मैच, भारत अभी 351 रन आगे, जीत के लिए 17 विकेट की दरकार। बांग्लादेश ने पहली पारी में पार किया शतक का आंकड़ा, 3 विकेट खोए, बारिश ने मैच में डाली बाधा। हरभजन 7 रन और अश्विन 2 रन बनाकर रहे नाबाद, पहली पारी में शिखर धवन ने बनाए सबसे ज्यादा 173 रन। मुरली विजय ने ठोकी करियर की 6 सेंचुरी, 150 रन बनाकर हुए 8 शतक से चूके रेहाणे, 98 रन पर शाकिक हुए शिकार। बांग्लादेश की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे शाकिब, 4 विकेट झटके। मेक्सिको शहर में साइकिलिस्टों का अनोखा प्रदर्शन, बिना कपड़े पहने शरीर के को रंग करके साइकिलिंग, कार कल्चर के खिलाफ कर रहे थे विरोध। दक्षिण इंग्लैंड में हुई एक शादी बनी वर्ल्ड रिकॉर्ड, 103 साल के जॉर्ज और 91 साल की डोरी ने रचाया ब्याह। करीब 30 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे दूल्हा दुल्हन, 5 स्टार होटल में पूरी शान और शौकत के साथ हुई शादी। अमेरिका के डल्लास पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले युवक का एनकाउंटर, हमले के चंद घंटों के अंदर ही हुआ ऑपरेशन। मृतक का किसी आतंकी संगठन से रिश्तों का अभी तक नहीं मिला सुराग, हमले की वजहों की जांच करने में जुटी अमेरिकी पुलिस।